चिकित्सा शिक्षा और शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करवाना यादव समाज कल्याण सभा का लक्ष्य है और रहेगा। समाज हित और समाज के कार्य किए जाने के साथ साथ प्रोत्साहन दिया जाने के लिए ही यादव समाज कल्याण सभा का गठन किया गया है। यादव सभा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प है। यह बात यादव समाज कल्याण सभा पटौदी मंडी के अध्यक्ष नरेश यादव व महासचिव दिनेश यादव और विशंबर दयाल ने जो कुछ कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। सभी लोगों ने जुड़कर सर्वसम्मति से 11 लोगों को एक कार्यकारिणी बनाने के लिए मानो होगा कि भी आप हरियाणा सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड सभा का गठन करो। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जो काम हमें सौंपा था वो हम सब ने मिलकर पूर्ण कर लिया। आप सभी की सभा जिसका नाम यादव समाज कल्याण सभा पटेल की मंडी जिला गुड़गांव है, जो कि रजिस्टर्ड हुआ सभा का, जिसका हरियाणा सरकार द्वारा सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सभा का अपना बैंक खाता खुल चुका है। आईटीआई भरने के लिए पैन कार्ड इत्यादि जो भी औपचारिकताएं हैं वो सभी पूर्ण हो चुकी है। अब हमारी जो यादव समाज कल्याण सभा, किसी से भी हम चंदा लेने के लिए, सरकार से कोई वित्तीय सहायता लेने के लिए, सरकार से कोई हम जमीन इत्यादि लेने के लिए हमारी सभा बिल्कुल रेडी है, वो ले सकते हैं। योग हो गए, ये हम सभी ने मिलकर समाज के भलाई के लिए कुछ, हम सभी ने एक संगठन बनाया है, सोसाइटी बनाई है, तो इस सभा द्वारा सामाजिक काम पे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करने के लिए हमारा विचार है कि गरीब बच्चों के लिए कुछ हम शिक्षा में काम करें। दूसरा हमारा विचार जो अभी चल रहा है, एक्चुअल हमारी नई है सभा में, अभी तो लेंगे हम विचार भी लेंगे लोगों के आगे क्या करना है। फिलहाल जो है हमने ये सोचा है कि स्वास्थ्य के लिए भी हम कुछ इसमें काम करें। हम सबसे पहले भवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का काम करने के लिए भवन की सबसे पहले का आवश्यकता होती है, तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ डॉक्टर्स आए और जैसे भी होगा, जो भी समय के साथ बनेगा, कुछ समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको स्वास्थ्य दिक्कत होती है, उनको हम सहायता अपनी दें। ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है। यादव कार्यकारिणी यादव सभा पटौदी में आज तक नहीं बन पाएगी, बहुत से लोगों ने कोशिश की और अब की बार ये कोशिश सफल हुई। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि आगे ये फले फूले और इतने गठन किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? ये काम जो आप जो सभा यहाँ पे बना रहे हैं यादव समाज की, सिर्फ यादव समाज के लिए कार्य करेगा, सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे? हम सर्व समाज के लिए करेंगे, चाहे कोई गरीब जाति का है, चाहे अमीर है, कैसा ही भी है, हर एक के लिए सहायता होगी जितनी भी हो सकेगी। जैसे मान लो कोई गरीब बच्चा है और वो पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ाई के लिए उसके पास खर्चा नहीं है, तो उसका खर्चा हम वहन करेंगे और हम उसको आगे पढ़ाएंगे। इसी तरह कोई लड़की, किसी की लड़की है और वो शादी के योग्य हो गई और वो शादी नहीं कर सकता, तो उसकी शादी का खर्चा हम उठाएंगे। इस तरह के जो सामाजिक कार्य है उनको हमारा करने का उद्देश्य है। एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है श्री कृष्ण मंदिर बनाने का, और समाज की के लिए जो समारोह वगैरह है, एक समारोह स्थल बनाने का, ये हमारा मुख्य उद्देश्य।